छपरा में स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है। मुझे जो जानकारी है कि 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, 4 लोगों की कुर्की जब्ती कर ली गई है। जो जिनकी कुर्की जब्ती कर ली गई है वो एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। छपरा जिला के मुबारकपुर गांव में जिस तरह से 3 युवक को बेरहमी से पिटाई की गई थी, उसमें 2 युवकों की मौत हो गई। उसके बाद जो है जातीय उन्माद बढ़ता चला गया। इसी को देखते हुए बिहार पुलिस जो है वहाँ पे इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी, अब जो है फिर से पुनः चालू कर दी गई है। लेकिन जिस तरह से जातीय उन्माद लगातार बढ़ते जा रहा था, इस वजह से वहाँ इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई थी, ताकि और जो है आगे भड़काऊ चीज़ें नहीं भड़क सके। वहाँ पे लगातार जो है प्रशासन वहाँ पे जो है मुस्तैदी से है कर्फ्यू लागू की गई थी, ताकि किसी भी तरह की और भी जो है ज़्यादा हिंसात्मक घटनाएं नहीं हुई। लेकिन वहाँ जो अभियुक्त थे उनके घर जो है कुर्की जब्ती भी की गई है। आज ही जो है कुर्की जब्ती की गई है, जिसमें लगभग ADG जितेंद्र सिंह गंगवार तमाम मामलों की जानकारी देते हुए कह रहे हैं लगभग 6 लोग अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। और भी लोग जो संलिप्त हैं उनके बारे में भी जानकारी ली जा रही है और भी गिरफ्तारी की जाएगी। और भी क्या कुछ कह रहे हैं ADG जितेंद्र सिंह गंगवार, सुने पहले उनकी बातों को। छपरा में स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है और जो पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है उस पूरे प्रकरण में अभी तक मुझे जो जानकारी है कि 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और 4 लोगों की कुर्की जब्ती कर ली गई है। जो जिनकी कुर्की जब्ती कर ली गई है वो एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, और उसके बाद भी हम अरेस्टिंग करेंगे और उसके लिए विशेष टीम काम कर रही है। लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तारी नहीं पड़ रही है, ऐसे किसी पर्टिकुलर केस के बारे में आपने जो कहा मैंने उसका जवाब दे। तो आपने साफ तौर पर सुना उनका कहना है कि अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और लोगों के बारे में जो है अभियान जारी है, और जो लोग भी इसमें सम्मिलित होंगे उसको जो है गिरफ्तार की जाएगी। लेकिन जिस तरह से जातीय उन्माद बढ़ता जा रहा था, प्रशासन भी जो है मुस्तैदी से थी ताकि और भी जो है हिंसात्मक नहीं हो सके, इसी वजह से जो है अब तक काबू हो सकी और आज से फिर से इंटरनेट सेवाएं चालू की गई है। लगातार जो है इंटरनेट सेवाएं वहां बंद की जा रही थी, सोशल मीडिया पे जो है लोग भ्रामक चीज़ें फैला रहे थे, इस वजह से वहां पे इंटरनेट सेवाएं बंद थी। इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि ज़्यादा हिंसात्मक नहीं हो, इस वजह से वहां इंटरनेट सेवाएं बंद की गई है। इस वजह से जो है राजनीतिक गहमागहमी भी तेज़ हो गई है। जिस तरह से BJP के लोग कह रहे थे कि बिहार में अब जंगल राज आ गया है, लेकिन अब जो है सारा चीज़ नियंत्रण में है। लोगों के घर कुर्की जब्ती भी की गई है, जो अभियुक्त थे उनके घर कुर्की जब्ती की गई है। अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, तो अब जो है तमाम मामला जो है नियंत्रण में है। आप सुन रहे थे ADG ने क्या कुछ कहा था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।